स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। एमएसटी सीटी 2024 के लिए ड्रॉपर्स के लिए और फ्रेशर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, ताकि मैं कुछ भी अपडेट आई तो पहले वहां पे शेयर कर सकूं। पीडीएफ्स मटेरियल सारा वहां पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। ड्रॉपर्स का जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं उन्होंने ड्रॉपर्स वाला ग्रुप ज्वाइन करो, जो बच्चे फ्रेश एमएसटी सीटी 2024 देने वाले हैं उन्होंने एमएसटी सीटी 2024 वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएसटी सीटी 2024 के डेट्स के बारे में, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने एमएसटी सीटी 2024 का कंटेंट डालना स्टार्ट किया है, ठीक है। इससे पहले एमएसटी सीटी 2023 का कंटेंट डलता था, ठीक है, क्योंकि अभी तक उनकी बैच चल रही थी, आज से आपकी बैच स्टार्ट होगी, ठीक है। बैच स्टार्ट होगी इन द सेंस आपके लिए कंटेंट लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएसटी सीटी 2024 के डेट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, 50-50 रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, पैटर्न, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेटेज, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करें, और उसके बाद हम चैप्टर्स वगैरह सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको डेट्स के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे रिसेंट डेज में कि सर बोर्ड्स के डेट्स तो रिलीज हो गए, लेकिन एमएसटी सीटी 2024 के डेट्स कब रिलीज होंगे। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत स्टिक टू द प्लान है, ठीक है, बहुत कंसिडर कर रहे हैं हर एक चीज को, है कि नहीं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको आपको एमएसटी सीटी के बुक्स नहीं उठाने, आपको अभी से स्टार्ट हो जाना है एमएसटी सीटी के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम है, ठीक है, कॉम्पिटिशन भी उतना होता है। अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो आप, मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 97-98-99% आप निकालोगे, ठीक है। बात करते हैं हम डेट्स के ऊपर, ठीक है। बोर्ड्स की डेट्स रिलीज हो गई, बोर्ड्स की डेट्स एग्जैक्टली जो लास्ट ईयर की बोर्ड्स की डेट्स है उसके अकॉर्डिंग है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम है। लास्ट ईयर जिस समय पे हुआ था, इस बार भी उसी समय होने वाला है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे कि सर क्या फिर एमएसटी सीटी का भी वैसा ही कुछ होगा? नहीं, एमएसटी सीटी का थोड़ा सा डिले होने के चांसेस है, ठीक है। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक सुने। इस बार बोर्ड्स के बाद तुरंत एमएसटी सीटी हुआ, ज्यादा ब्रेक नहीं था, ठीक है, ब्रेक था लेकिन ज्यादा ब्रेक नहीं था। तो उस सिचुएशन में फॉर्म फिलिंग वगैरह के बारे, जो एमएसटी सीटी के फॉर्म फिलिंग वगैरह होते हैं, उसमें बहुत पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस बार उस विषय पे सोच रही है कि एमएसटी सीटी थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। ये न्यूज सोर्सेस सारे अनऑफिशियल है, जैसे कि इंडिया न्यूज हो गया, न्यूज नेशन हो गया, कोई भी सीईटी सेल की तरफ से इसका कंफर्मेशन आया है कि नहीं आया, ये सारे न्यूज जहां से आती है वहां से मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई और आपके सामने पुट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या मान के चलना है कि एमएसटी सीटी आपकी 20 मई के आसपास होगी, मोस्ट प्रोबेबल डेट 20 मई आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके प्रिपरेशन को आपको भगाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीट डे आपको एमएसटी सीटी को देना है, लेकिन दिन का एक घंटा आपको एमएसटी सीटी के लिए अभी से एक घंटा, फिर दो घंटा, फिर तीन घंटा, फिर चार पाँच छः ऐसे बढ़ाना है, लेकिन अभी से आपको एटलीस्ट एक घंटा एमएसटी सीटी के लिए देना है। बाकी आप जेई के लिए पढ़ सकते हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर जेई के लिए पढ़ लिया तो हम एमएसटी सीटी तो यू क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एज इट इज उठाए जाते स्टेट बोर्ड के बुक से, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको पढ़नी होती है। तो अगर आप अभी से पढ़ के रखोगी, यस, अगर आप जेई को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप एमएसटी सीटी में ऑफकोर्स बेटर करते हो, लेकिन गारंटी नहीं कि आप 99% लाओगे, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें एमएसटी सीटी की देखनी होती है, वो लास्ट मोमेंट पे नहीं देखी जाती, ओके। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन इतनी नहीं है कि वो जेई क्रैक कर सके, तो अभी से याद रखना एमएसटी सीटी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी पीडीएफ्स में डाल दूंगा, प्लीज ज्वाइन कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हम में से हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, ठीक है, और उस सपने के पीछे हर दिन हम भागते हैं, हर दिन सुबह शाम हम मेहनत करते हैं उस सपने की तरफ, ठीक है। और यही एक सपना होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है या फिर आगे बढ़ने की हमें क्षमता देता है। तो टीचर्स डे के स्पेशल पे, ठीक है, पीडब्ल्यू ने आपके लिए बहुत सारे चीज़ें लाई है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। ये सारे ऑफर्स आपके 3 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ही वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो बैचेस के बारे में, ठीक है, पीडब्ल्यू ने बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए, जिसमें से पहली बैच है जिसका नाम है प्रयास जेई फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, वो ड्रॉपर बैच है। 2800 इसकी फीस है, 2800 इज़ वेरी लेस, ठीक है, आपको इतने कम प्राइस में कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रयास, उसके साथ साथ आपको प्रयास 1.0, 2.0 और 3.0 के कोर्सेज भी मिलेंगे और आपकी स्टार्ट होंगे आपके 21 सितंबर से, ठीक है। जो सेकंड बैच है लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, ये 12th के लिए बेसिकली ये बैच, ठीक है, 3000 इसकी फीस है और इसके साथ आपको फ्री लक्ष्य 1.0, 2.0, 3.0 आपको फ्री मिलेगा और 18 सितंबर से ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है।
नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है अर्जुना जेई फास्ट ट्रैक बैच, या 11 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 3000 रुपए इसकी फीस है। इसके साथ आपको फ्री अर्जुना 1.0 2.0 3.0 बैचेस आपको फ्री मिलेगी और 18 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हो गए बैचेस। उसके साथ साथ बैचेस के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। नेक्स्ट चीज आपके 6 डेज क्लासेस होंगी, ठीक है, 3 डेज आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे, क्विज फॉर्मेट में होंगे, पीडीएफ के सहायता आपके नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके शेड्यूल किए जाएंगे टेस्ट, ठीक है, जहाँ उस टेस्ट में आप आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट लाया है वो है पॉकेट कोर्सेज, ठीक है। कोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, सिर्फ 49 रुपीज में आपको वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके मॉड्यूल्स की बात करूँ तो यहाँ पे बैचेस के मॉड्यूल्स आपको प्रॉपरली मिलेंगे, यहाँ पे आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए मैंने। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ऊपर से 150 रुपीज का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट पहले ही डिस्काउंटेड प्राइसेस से, पहली चीज तो पहले कम प्राइसेस है, उसमें डिस्काउंटेड प्राइसेस है, डिस्काउंटेड प्राइसेस में भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको और भी लाभ हो जाएगा। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। यही सारी चीजें थी आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूं वो आप तक पहुंचे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाली है तो वो ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो, ताकि जो भी अपडेट्स आती है मैं शॉर्ट शॉर्ट अपडेट्स वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट्स होगा एकेडमिक्स के संबंधित, अपना पर्सनल डाउट्स होंगे या फिर आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ होगा या फिर आपके कोचिंग से रिलेटेड कुछ होगा, कुछ भी कन्वर्सेट अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कन्वर्सेट कर सकते हो। कोई क्रिएटर आजकल व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है ना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है, और मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ओके। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।